गीता डेक से आज आपके लिए क्या मैसेज आता है, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। और ये मैसेज आया है चैप्टर 4 वर्स 40 से। आप लोगों को मैसेज पढ़ के सुनाऊं, उससे पहले क्या आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा है? नहीं करा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन इमिडिएट मिले और आप उसका लाभ ले सके। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जी क्लेम करने के बाद हमेशा की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ जय श्री श्याम ही लिखना है। आइए अब शुरू करते हैं क्या कहता है गीता मैसेज आज हमारे लिए। जब भी ये रीडिंग आपको मिले, मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखें उसी दिन आपके लिए ये मैसेज है। ये टाइमलेस रीडिंग और मैसेज है, ये कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है कि अगर आज मैंने वीडियो रिलीज करी है या बनाई है तो ये मैसेज आज आपके लिए है। नहीं, जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी इसका मतलब ये है कि ये उसी समय आपके लिए मैसेज है, उसी समय के लिए है ये मैसेज। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे आप अपनी एनर्जी क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम लिखें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैप्टर 4 वर्स 40 से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बट द इग्नोरेंस द एंड फेथलेस पर्सन वो डाउट द ट्रूथ विल फॉर एवर बी लॉस्ट। द डाउटिंग सोल इज हैप्पी नाइदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी और अविश्वासी मनुष्य हमेशा सत्य पर संदेह करते हैं और वो ऐसा करने की वजह से हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है या नष्ट हो जाएगा। जो सच पे यकीन नहीं करता, जो सच पे संदेह करता है या जो ईश्वर पे संदेह करता है, वो इंसान नष्ट हो जाएगा, वो जीव नष्ट हो जाएगा अपने अज्ञान के कारण। जो अविश्वासी आत्मा है वो जब सच पे संदेह करती है, वो ना तो इस जीवन में सुखी रह पाती है और ना ही वो अपने नेक्स्ट जीवन में, अगले जीवन में, अगले जन्म में सुखी रह पाएगी। इसलिए सत्य को समझो, सत्य को जानो और सत्य पे विश्वास करना शुरू करो। भगवान श्री कृष्ण का गीता के माध्यम से ये मैसेज था आपके लिए। जब भी आपको ये रीडिंग मिले, जब भी आपको ये वीडियो मिले, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जी क्लेम करके जय श्री श्याम लिखिएगा और अपनी लाइफ में आपके आसपास सराउंडिंग जो भी चीजें हो रही हैं, अगर आप उसमें कुछ इग्नोर कर रहे हैं, जो ट्रूथ है, सच है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देना है। जय श्री श्याम।